प्लीज सरा पकड़ा है। अभी जब आपने देखा ये कैसा प्लेन है भाई, हमारा नीचे जाने का टाइम हो गया है क्योंकि बारिश हो गई है तेज। आवाज ऐसे हालात चल रहे हैं भैया, मेरे को लग नहीं रहा कि आज मैं जिम पहुंच पाऊंगा। मेरे दिल की धड़कने बढ़ चुकी हैं। तो जी इसे ही कहते हैं विचित्र मौसम। अभी जब आपने देखा ये कैसा प्लेन है भाई, रुको रुको एक प्लेन दिखाता हूँ पहले। मतलब ये प्राइवेट प्लेन टाइप लग रहा था, और आपने जो इससे पहले ब्लॉग देखा उसमें उसी दिन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं थोड़ी देर बाद ही, और जब तक धूप थी और अचानक से मैं बाहर निकला एडिट करके बारिश स्टार्ट हो गई। लो जी लो बारिश स्टार्ट हो गई, बच्चे चिल्ला रहे हैं वहाँ पर, हम भी बचपन में ऐसे चिल्लाते थे। बारिश कहीं तो बड़ी ख़तरनाक ही हो रही है और यहाँ पर भी ख़तरनाक ही होने वाली है। बादल मूविंग, अब हमें भी नीचे की तरफ मूव कर देना चाहिए क्योंकि हम भीगना नहीं चाहते हैं। अभी थोड़ी और तेज हो जाए फिर चलते हैं। तो अब हमारा नीचे जाने का टाइम हो गया है क्योंकि बारिश हो गई है तेज। टाइमलेस बनाया है हमने, देखो कैसा बना है कैसा नहीं। भाई आप यकीन नहीं मानोगे, बहुत ही तेज बादल गरज रहे हैं, दो बार गरजे। अब मैं फटाफट कैमरा उठा के आया, तो अब देखो गरजता है तो आपको आवाज़ सुनाई देगी। मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक तेज बादल गरजे हैं भैया। टाइम हो रहा है 2:30 बज रहे हैं और बारिश स्टार्टिंग में बहुत तेज़ हुई थी। अब बूंदाबांदी हो रही है, मतलब बूंदाबांदी नहीं हो रही, मतलब हो रही है बारिश, पर पहले स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा तेज़ हुई थी। आवाज शायद आए या ना आए, पर मुझे अभी सुनूंगा बंद करने के बाद। टाइम 3:30 बज रहे हैं और बारिश हल्की हो गई है। हम भीग गए थे इसलिए कपड़े बदल लिए, और भीग क्यों गए थे, थोड़ा यूट्यूब की वीडियो मतलब उस टाइम भीग गया था, थोड़ा मैं रील्स वील्स बना रही थी हमने, थोड़ी बारिश हुई और ऐसे उदास गानों पे रील्स ना बनाई तो क्या बारिश हुई। तो अभी हम खा रहे हैं खाना, खाने में है पीली दाल और 3 रोटी। तो फिलहाल तो बारिश हो नहीं रही है, जिम का टाइम हो गया है, मैं सोच रहा हूँ आज थोड़ा जल्दी चला जाता हूँ, क्या फ़ायदा होगा कि बारिश स्टार्ट हो जाए फिर हम जिम ना जा पाएँ। तो अभी टाइम 4:30 हो रहे हैं, मुझे तैयार होते होते मतलब सारी चीज़ें पैक करते करते 5 बज ही जाएंगे, तो अब हम जिम ही निकलते हैं। जैसे हालात चल रहे हैं भैया, मेरे को लग नहीं रहा कि आज मैं जिम पहुंच पाऊंगा। आगे तक का जाम लगा हुआ है बेहतरीन वाला। भाई मेरे को तो सच में ऐसा लग रहा था कि आज जिम पहुंचना नामुमकिन सा है। 1 घंटे 1.5 घंटे में पहुंचाऊंगा जिम, बुरा हाल हो गया। हम जिम से घर आ गए थे, थकान हो रही है आज, थाई फुल पावर जो लगाई है, ओए होए होए होए, तन बदन मतलब कमर से नीचे का पूरे सारा हिस्सा दुख रहा है। और खाना खा रहे हैं हम, खाने में है तुरई और 3 रोटी और हमारी सीक्रेट डाइट। तो ये खाते हैं, और भाई मतलब ये मानो इतना पानी, मतलब मैंने इतना जाम, नजर जहाँ मैं जिम जाता हूँ इतना जाम, इतना पानी नहीं देखा, मतलब बम्पर भाई बम्पर। रात के 10:30 बज रहे हैं और बारिश फिर स्टार्ट हो गई है, मतलब इतनी बारिश हुई है ना आज, हमारी दीवार से पानी आ रहा है, मतलब दिखाता हूँ सीलन, पता नहीं क्या बोलेंगे इसको, पर दीवार ना गीली गीली हो चुकी है, शायद आप देख पा रहे हो या नहीं, ये देखो दीवार थोड़ी गीली गीली हो गई है, ये रहा पानी है बाकायदा यहाँ पर, ये भी सही है।
है मम्मी बाइक में ताला लगा दो आज, क्या पता वो तीन लोंडे हमारे घर पे आ जाए आज। हैं भैया देख लो यार, यार चेन अगर ले जाने होंगे तो चेन भी तोड़ी देंगे हम, तो वहाँ एसी में सोते हैं आवाज तो आएगी नहीं। सीढ़ियों के पास घर के अंदर ले आऊं भाई तो जी। कैमरे मुंह छुपा के आएंगे, कैमरे का कर लेंगे। तो जी वही अपडेट घर की यही है, मम्मी देख रही हैं टीवी, पापा सो चुके हैं और हम आपसे बैठ के बतिया रहे हैं। अभी मैंने एक चीज़ देख रहा था, ये साहिल खान और मनोज पाटिल की क्या कंट्रोवर्सी चल रही है समझ नहीं आया मेरे, मतलब मैं कोई होता नहीं हूँ किसी को सही या गलत बोलने वाला, पर अभी मैं सब दोनों तरफ से लगा हुआ हूँ। मैंने कहा चल क्या रहा है मार्केट में, मुझे किसी ने भेजा था तो मैं वही देख रहा था। मैं कहा क्या चल रहा है, समझ से परे, ये इनको गलत कह रहे हैं, ये इसको गलत कह रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है मार्केट में। तो अभी फुल रिसर्च करेंगे आज रात को। वैसे लग तो रहा नहीं है मैं ज़्यादा देर तक जाग पाऊँगा क्योंकि नींद आ रही है, थाई मार के बहुत बम्पर, मतलब ऐसी थाई मारी है ना आज आपको क्या बताऊँ, मज़ा आ गया, दर्द हो रहा है। सोना ही ऑप्शन है क्योंकि इस टाइम हम नींद से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, जैसे ही हमें लगता है नींद आ रही है हम फ़ौरन लेट जाते हैं क्योंकि नींद ने बड़ा परेशान करा हुआ है हमें। भाई शकील की गुड नाइट। तो जी हमने बताया था नींद आ रही है हमें, हम सोने भी लेट गए थे पर हमें नींद का एन भी नहीं आया जब हम लेटे, तो हम छत पे घूम रहे हैं थोड़ी देर और छत का भाई मतलब ये मानो इस टाइम ऐसी ठंडक ठंडक सी हो रही है ना, मज़ा ही आ रहा है। और एक बार कल मेरे को गुड़गांव तक भी जाना पड़ सकता है सुबह। देख रहे हो आप अभी ना इसने मेरी हालत ख़राब कर दी, ऐसे अचानक से कूदी ना ये, मेरे दिल की धड़कने बढ़ चुकी हैं। ऐसे को डराते हैं बाबू, अरे 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 भाग रहे। और मम्मी ने कहा था भाई, मतलब हंसी मजाक चल रहा था पर मुझे अब डर लगने लगा। मम्मी ने कहा जब भी उठे बाहर की लाइट जला के एक बार देख लियो, तो वही देख रहा हूँ मैं। जब तक तो हंसी मजाक चल रहा था कि बाइक चली जाएगी चलाएगी, पर अपना ऐसा डर सा सच में लगने लगा भाई, ले गए तो मेहनत के पैसों की बाइक है, मैं क्या करूँगा यार। और हमारे घर में ना याली नमकीन देखो बहुत खाई जाती है, इसका नाम पता नहीं क्या है, आपको पता हो तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। मतलब मोस्टली हमारे घर में याली नमकीन जो पता नहीं क्या है जो भी है ये मिलता ही मिलता है, कोई आता है बाहर से गेस्ट वेस्ट में उसके सामने भी यही नमकीन रखी जाती है, इसका नाम बताना मेरे को कमेंट में ज़रूर। ये शकील हमारे अब्बा का बटुआ रखा है, देखना चाहोगे इसमें क्या है, मैं भी दिखाता हूँ आज। इसके अंदर है 300, 200, 210, 320, 325 रुपये हैं हमारे अब्बा के पर्स में। टाइम हो चुका है 12 बज चुके हैं और हमें नींद सी अब झपकियां सी आने लगी हैं, तो हम दोबारा ट्राई करेंगे सोने की। अगर नींद आ जाती है तो ये व्लॉग यहीं पे एंड हो जाएगा और आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। अगर नींद नहीं आई तो मैं याला पार्ट काट दूंगा और आगे बतियाना फिर शुरू कर दूंगा। ओके बाय, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में। कल गुड़गांव जाना है, देखो जाना है या नहीं जाना क्या होता है वो तो कल ही पता चलेगा। तो जब तक के लिए टेक केयर, बाय।